हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस, जो कि स्विफ्ट के द्वारा होती है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो स्विफ्ट होता क्या है? स्विफ्ट एक मैसेज होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में, जिसके थ्रू पेमेंट इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस होती है। तो जब भी हम एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट की जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पे हम मेंशन कर देंगे बैंक का नाम, इंटरनेशनल बैंक का नाम और स्विफ्ट कोड, सो देट की पेमेंट उस स्विफ्ट कोड में आए। ठीक है, हमें अपना स्विफ्ट कोड भी मेंशन करना होता है और उसका भी करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, हमें बिल ऑफ लेडिंग और डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करके बैंक में सबमिट किए पेमेंट के लिए, उसमें स्विफ्ट कोड मेंशन किया। तो यहाँ पे क्या आ गया कि हम पेमेंट ले रहे तो हमें अपना स्विफ्ट कोड देना इम्पोर्टेंट है। इनकेस ऑफ इम्पोर्ट में क्या हम इम्पोर्टर को इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्टर को पेमेंट देते हैं, तो उस केस में उसकी बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ वायर ट्रांसफर इज थ्रू स्विफ्ट। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली वे ऑफ यूज किया जा रहा है पेमेंट रेमिटेंस का इनवर्ड और आउटवर्ड, वो है स्विफ्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, द स्विफ्ट नेटवर्क इज मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक स्विफ्ट मैसेज होता है, उसमें प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स की रूल्स, सम रूल्स, रिटन रूल्स मीन्स की डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टर्स, जस्ट लाइक या एक्सपोर्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी पेमेंट जाएगी तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि इस रूल्स में इस बैंक के अकाउंट में इस नाम पे पेमेंट करनी है, या फिर एक सिक्योरिटी पर्पस से एक इंटरनेशनल वे में जो उनके रूल्स होते हैं वो। ठीक है, तो वो एक स्विफ्ट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक, इट हैज ओवर 11,000 बैंक इन 200+ कंट्रीज इन इट्स नेटवर्क। ठीक है, तो स्विफ्ट का जो है इसने जो कवर कर रखा है 11,000 बैंक को प्लस 2,000 कंट्री को। ठीक है, इसके थ्रू पेमेंट होती है। दिस नेटवर्क यूज फॉर टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक बैंक से दूसरी बैंक में जाएगी इस स्विफ्ट मैसेज के थ्रू और पेमेंट होगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हमने समझी। अब इसके पार्ट होते हैं, ये पेमेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सो एक अनदर पार्ट है इसका करेस्पोंडेंट बैंक। तो करेस्पोंडेंट बैंक क्या होता है, ये किसी और कंट्री में जाके वर्क करती है, अपना ऑफिस खोलती है और वहां पे सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म ऑफ करेस्पोंडेंट बैंक रिफर टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मतलब लोगों को बताता है कि कैसे पेमेंट होती है इस टाइप से। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना और अवेयरनेस लाना लोगों की कि ऐसे पेमेंट ट्रांसफर की जाती है, और उनको इन्फॉर्म करके और सर्विस के बारे में बताना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर वन। ठीक है, किसी और को सर्विस प्रोवाइड करता है, यूजली इन अनदर कंट्री। ठीक है, जिस कंट्री, ये बैंक जिस बेसिक कंट्री का होता है वहां से नहीं, वहां तो करती है लेकिन दूसरी कंट्री में पेमेंट ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करती क्या है, इट एक्ट एन द इंटरमीडियरी एजेंट। ठीक है, इंटरमीडियरी एजेंट के थ्रू ये काम करती है एज ए एजेंट, जस्ट लाइक जैसे हमें अमेरिका पेमेंट करनी है तो यहाँ पे करेस्पोंडिंग बैंक के थ्रू करेंगे। तो इनके पास क्या होता है कि जैसे हमें पेमेंट अगर उनको करनी है तो हम INR में पेमेंट करेंगे, ये लिक्विड करेंगे उस पेमेंट को, और लिक्विडेट होने के बाद वो हो जाएगी जिस एक्चुअल करेंसी में हमें करना है उसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे करेस्पोंडिंग बैंक क्या करती है, INR को लिक्विडेशन करती है इन द स्पेसिफिक करेंसी जो कि हमें ट्रांसफर करनी है। तो ये उस प्रकार से आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो इट इज एक्ट एन द इंटरमीडियरी एजेंट, ठीक है, फैसिलिटिंग वायर ट्रांसफर। ठीक है, वायर ट्रांसफर करवाती है, कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है वो करवाती है, एक्सेप्टिंग डिपोजिट एक्सेप्ट करती है एंड गैदरिंग डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक, और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं पेमेंट के वो कलेक्ट करती है। ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अब फॉरेन बैंक की अगर बात करें
तो फॉरेन बैंक क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। फॉरेन बैंक ब्रांच इज द टाइप ऑफ फॉरेन बैंक दैट इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ बोथ होम एंड होस्ट कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फॉरेन बैंक होती है वो क्या होती है, आपको ऑब्लिगेशन ऑब्लाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी को पेमेंट करनी है ओवरसीज में किसी बैंक को, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे होम ब्रांच होगी, यहाँ पे होस्ट कंट्री में होम ब्रांच तो मेन कंट्री में होगी, और यहाँ पे होगी आपके होस्ट कंट्री में एक अदर ब्रांच जो कि एजेंट के थ्रू आपकी, एज ए एजेंट आपकी मदद करेगी। वो कैसे, ठीक है, जब फॉरेन बैंक में जैसे हमारे हमने यहाँ से किसी को पेमेंट करनी है, और वहां पे जैसे HDFC बैंक है, ठीक है, तो वहां पे HDFC बैंक को हम पेमेंट करेंगे और जो पेमेंट होगी वो किसी के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एक फॉरेन बैंक ब्रांच होती है, तो वो क्या करती है, जैसे हमारी बैंक यहाँ पे हमने अपने बैंक में डॉक्यूमेंट जमा किया, तो वो फिर उस यहीं के फॉरेन बैंक की इसमें डॉक्यूमेंट जमा कर देती है और पेमेंट उनके लिए इंटरनली इजी हो जाता है। अगर अदर बैंक होती है तो फिर डॉक्यूमेंट वहां पे जाते हैं, उनको कोरियर करने पड़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट को चेक एंड वेरीफाई करती है, उसके बाद पेमेंट करती है। बट अगर ये बैंक आपकी यहीं इसी कंट्री में इसकी फॉरेन ब्रांच है, तो फिर वो इंटरनली डॉक्यूमेंट वो इजिली पहुंच जाएंगे, और कोरियर करने के में इतना आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और पेमेंट आपकी टाइमली आ जाएगी। बिकॉज द फॉरेन बैंक ब्रांच हैज लोन लिमिट बेस्ड ऑन द टोटल बैंक कैपिटल। ठीक है, जो फॉरेन बैंक की जो लोन लिमिट होती है वो टोटल बैंक कैपिटल होती है, दे कैन प्रोवाइड मोर लोन देन सब्सिडरी बैंक। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो सब्सिडरी बैंक है उससे भी ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल ब्रांच है वो किसी होम कंट्री में है, अगर वहां से लोन लगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको जो आपकी कंट्री अलग है और आपको डॉक्यूमेंटेशन वहां पे भेजने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन होगा, लेकिन यहीं पे अगर इसकी फॉरेन ब्रांच है तो फिर आपको इजीली डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा हो जाएंगे, चेक इन वेरीफाई हो जाएंगे और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉरेन एजेंसी पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, ये होता क्या है, ए फॉरेन बैंक डूइंग बिजनेस इन US ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पेरेंट बैंक में बी नोन एज फॉरेन एजेंट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गए? वे आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है फॉरेन एजेंसी के थ्रू। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो इनकी बेसिक ब्रांच होती है वो एक स्पेसिफिक कंट्री में होती है, ठीक है, और उस एजेंसी के थ्रू हम फिर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जैसे ए फॉरेन बैंक डूइंग बिजनेस इन US ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट बैंक, ठीक है, तो एक बेसिक पेरेंट बैंक है US में, ठीक है, वो आपकी वहां से पेमेंट कैसे प्रोसेस करेगा कि उसकी एक अदर ब्रांच होगी अदर अदर कंट्री में, ठीक है, तो उसके थ्रू वो एजेंसी के थ्रू, जैसे आपने देखो पेमेंट के लिए हम देखते हैं कि कैसे करें, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, तो कोई जगह लिखा रहता है कि मनी ट्रांसफर इन, यहाँ से मनी ट्रांसफर करें, तो इस टाइप से ये एज ए एजेंसी काम करती है, लेकिन इसका मेन ऑफिस जो होता है वो US से कंट्रोलिंग होती है इसकी। ठीक है, मेनी ऑफ दिस बैंक्स आर सब्जेक्टेड टू फेडरल रिजर्व रेगुलेशन। ठीक है, ये जो होती है कुछ इनकी जो कुछ बैंक है इसमें जो आती है वो फेडरल रिजर्व रेगुलेशन के अंडर आती है और इनका ऑडिट भी वही होता है। ठीक है, तो ये फेडरल रिजर्व इसको ऑडिट करता है एनुअली कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये जो इसकी ब्रांचेस है ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा कहीं इस चीज। तो ये फॉरेन एजेंसी पेमेंट ऑनलाइन एज ए एजेंसी के थ्रू होती है। ठीक है, अब है फॉरेन सब्सिडरी बैंक, तो इसको हम समझ लेते हैं, ए फॉरेन सब्सिडरी बैंक इज ए टाइप ऑफ फॉरेन एंटिटी दैट इज लोकेटेड एंड इनकॉर्पोरेट इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये कहाँ होती है, फॉरेन कंट्री में होती है, लोकेटेड भी फॉरेन कंट्री में होती है, और इनकॉर्पोरेट मतलब वहां के जो रेगुलेशन है, नेटवर्किंग है, उससे जुड़ी रहती है, इनकॉर्पोरेट में की वहां की मेन ब्रांचों से जुड़ी रहती है। ठीक है, बट दिस आइदर होली ओन इज ओन इन ए मेजर पार्ट ऑफ पेरेंट कॉर्पोरेशन इन ए डिफरेंट नेशन, लेकिन जो इसका मेन इसका हेड ऑफिस होता है, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कॉर्पोरेशन, वो होती है आपकी डिफरेंट कंट्री में। दिस इज अ पर्टिकुलर बैंकिंग मॉडल हेल्प दैट पेरेंट कंपनी अवॉइड अनफेवरेबल रेगुलेशन एंड इन्फोर्स बाय द होम कंट्री। इससे क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप की बैंकिंग है, ठीक है, जो अपनी पेरेंट कंपनी को हेल्प करती है, ठीक है, अवॉइड अनफेवरेबल रेगुलेशन। ठीक है, जैसे अनफेवरेबल की अगर बात यहाँ पे आए तो मनी का जो होता है पेमेंट का,
एक स्पेसिफिक कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बैलेंस रखना पड़ता है फेवरेबल कंडीशन में। तो जब ये अनफेवरेबल हो जाता है तो क्या होता है कि जो ये फॉरेन सब्सिडरी बैंक जो होती है ये वहां पे क्या करती है, अपने उस करेंसी के जिसकी अनफेवरेबल हो गई है तो उसको ये वहां पे जो करेंसी है वो भेज देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक यूएसडी एक फॉरेन सब्सिडरी बैंक इंडिया में है, ठीक है, और वो क्या करेगी INR को लिक्विडेट करके यूएसडी बना देगी। और किसी कंट्री में अगर इसकी पेरेंट कंट्री में अगर यूएसडी की डिमांड है तो फिर ये यहाँ से ट्रांसफर कर देती है। सो गाइज आज के सेशन में हमने समझा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेस, ठीक है। तो इस सेशन में हमने ये एक एक करके समझने की कोशिश की कि इसके क्या क्या तरीके होते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग बैंक के थ्रू कर सकते हैं, फॉरेन ब्रांच बैंक के थ्रू कर सकते हैं, फॉरेन एजेंसी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं हम, इसके अलावा फॉरेन सब्सिडरी बैंक के थ्रू कर सकते हैं। सो ये स्विफ्ट का जो प्रोसीजर है बहुत ईजी है, पेमेंट ईजिली आपके अकाउंट में आ जाती है इंटरनेशनल पेमेंट जस्ट लाइक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर या फिर अदर पेमेंट। सो गाइज आज के सेशन में हमने जाना हम इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है जिसके थ्रू ये पेमेंट पूरा प्रोसीजर होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।